बैराट तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरई में चेक डैम निर्माण में धांधली का मामला सामने आया है। यह ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले चेक डैम का निर्माण कार्य ठेके पर 4 लाख रुपए में कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत के कुछ जागरूक ग्रामीणों को जैसे ही ग्राम पंचायत के सरपंच के इस कारनामे की भनक लगी, उन्होंने इसकी शिकायत शिवपुरी जिला कलेक्टर कार्यालय में दर्ज कराते हुए घटिया निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने घटिया निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। चेक डैम की पार निर्माण भरे जा रहे हैं। बोल्डर जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत हरई के सिलपरी गांव में टिटोना नाले पर जल संरक्षण के लिए ग्राम पंचायत हरई की सरपंच द्वारा 15 लाख रुपए की लागत से चेक डैम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच द्वारा चेक डैम के निर्माण कार्य में जमकर धांधली बरती जा रही है। चेक डैम की पार बनाने के लिए की जा रही सीसी में गिट्टी के साथ बोल्डर भरे जा रहे हैं। वहीं एस्टीमेट के अनुसार 30 मीटर चौड़ाई के स्थान पर 20 मीटर चौड़ाई रखी गई है। चेक डैम निर्माण के लिए बिना नींव खोदे ही नाम मात्र के लिए सरिया गाड़ चुके हैं। वहीं डैम बनाने के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। सरपंच द्वारा ठेके पर कराया जा रहा है चेक डैम का निर्माण। ग्रामीण का आरोप है कि सरपंच द्वारा 15 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत चेक डैम निर्माण का कार्य ठेके पर केवल 4 लाख रुपए में कराया जा रहा है, जिस कारण घटे निर्माण के चलते पहली बारिश में ही चेक डैम के वे बह जाने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत के बाद भी सरपंच द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से चेक डैम का घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर सब इंजीनियर नितेश गुप्ता द्वारा चेक डैम का निरीक्षण किया गया। चेक डैम निर्माण में कई अनियमितता पाई गई, जिस पर सरपंच को निर्माण कार्य बंद करने कहा गया। इसके बाद भी अगर सरपंच द्वारा चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है तो ऐसे निर्माण कार्य का न मूल्यांकन किया जाएगा न ही उसका भुगतान किया जाएगा। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कुछ कार्य आपके द्वारा भी संज्ञान में लाए गए हैं, अभी भी कुछ व्यस्तताओं के कारण शासन की एक जो स्कीम चल रही थी मैं अभी प्रॉपर समय नहीं दे पाया बजट को, लेकिन धीरे धीरे इन स्थितियों को मैं पूरी तरह कंट्रोल में ला कर। सर, हरई का एक चेक डैम का मामला सामने आया है कि काफ़ी घटिया निर्माण कार्य हो रहा है, उसकी ना तो कोई इंजीनियर विजिट कर रहा है ना ही कोई सक्षम अधिकारी कर रहे हैं। सर, तो अगर इस तरह से निर्माण कार्य होंगे तो शासन की योजनाओं का पलीता लगेगा। सर, हरई वाले सेक्टर के जो भी सब इंजीनियर हैं उनसे व्यक्तिगत प्रतिवेदन लेके इसके लिए सहायक यंत्री साहब को बोलता हूँ कि वो जाके एक बार वहाँ की स्थिति देख के आए। प्रारंभिक स्थिति में सर जिस तरह के फुटेज आपके सामने आए हैं वो नादारों पे तो आपने भी देखा है, क्या लगता है सर कि कार्रवाई कब तक की? कई बार फुटेज और वस्तु स्थिति में कुछ भिन्नता आ जाती है, इसलिए सब इंजीनियर को एक बार अपना पक्ष रखने के लिए प्रतिवेदन लेना आवश्यक रहेगा और साथ में ही हम सहायक यंत्री को यही साहब को वहाँ पर भेज के वस्तु स्थिति दिखवा लेते हैं और दो दिन पश्चात में स्वयं वहाँ का भ्रमण करना। सर, कार्रवाई की कब तक मानेंगे, कब तक कार्रवाई की जाएगी? 7 डेज में आपके सामने वस्तु स्थिति आ जाएगी।